Vida. Hey guys, welcome back to my channel. मैं आपका दोस्त क्लैशिंग प्रणव स्वागत करता हूँ अपने क्लैश ऑफ क्लैंस एक और नए अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 15 के गाइस बेस्ट अटैक स्ट्रेटजीज, जिसे गाइस यूज करने के बाद आप किसी भी बेस को इजीली ट्रिपल उड़ा सकते हो। एंड गाइस आज मैं हूं गाइस वी कैन विन क्लैन में। एंड गाइस अगर हम क्लैन की बात करें तो गाइस इस क्लैन की गाइस 71 की स्ट्रीक चल रही है। तो गाइस मतलब सोच सकते हो 71 का कितना हाई स्ट्रीक होता है। तो गाइस आपको मैं इसी क्लैन के कुछ बेस्ट अटैक स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूं, जिसको गाइस देख करके आप किसी बेस को लिटरली मतलब फूक मार के इजीली ट्रिपल उड़ा सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा गाइस अमेजिंग वीडियो आपसे होने वाला है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे वाला बेल आइकन जो ऑल पे कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग अब तक मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट अटैक एंड अटैकर यहाँ पे अपने पूरन भाई। एंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे सुपर अच्छा विलियम फिथ लावल किया जा रहा है। गाइस काफ़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी गाइस, किसी भी बेस को मतलब ये इजली ट्रिपल उड़ा सकती है अगर आपको अच्छे से फिल्म से वैल्यू मिल जाए तो। सो यहाँ पे इन्होंने वॉर्डन एबिलिटी के साथ यहाँ पे ब्लिम डिप्लॉय कर दिए एंड यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप कर दिए बिल्कुल मल्टी स्कैटर और मोनोलिथ के बीच में, ताकि इनको यहाँ पे दोनों मल्टी एक स्कैटर और मोनोलिथ मिल जाए। सो यहाँ पे इनको वैल्यू मिलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मोनोलिथ टेक डाउन हो चुका है एंड सिर्फ एक मल्टी बचा टेक डाउन करने के लिए, और वो भी जो है वो टेक डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पे विजय ने ड्रैगन राइड डिप्लॉय कर दिया था ताकि वो सेक्शन पूरा खा सके उनसे। एंड गाइस वैल्यू देखो यार, मतलब परफेक्ट उन्होंने पाथिंग बना दी लालू के लिए ऑलरेडी। हीरोज़ की भाई जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से अटैक में तो। लेकिन उन्होंने यहाँ पे किंग डिप्लॉय कर दिया क्लीन अप के लिए विथ क्वीन एंड यहाँ पे टाउन साइड से आई थिंक लालू आएगा। यहाँ पे कुछ मिनियन डिप्लॉय कर रहे हैं क्लीन अप के लिए ताकि टाइम फेल का दिक्कत ना हो। ओके अटैक बिल्कुल सही जा रहा है इनका फिलहाल। यहाँ पे स्नीकी गॉब्लिन्स डिप्लॉय कर दिए गोल्ड स्टोरेज के ऊपर। सीसी में से निकला यहाँ पे इलेक्ट्रो टाइटन एंड आइस आइस गोलम। ओके तो यहाँ पे आज ने आज गोलम डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पे हीरो से जो है वो टॉमा खाने की कोशिश कर रहे हैं एंड अभी तो इन्होंने लालू शुरू नहीं किया क्योंकि सिर्फ एक ही मिनट बचा है। एंड यहाँ पे इन्होंने मिनियन डाल दिया आरसी। यहाँ पे किंग की एबिलिटी एंड यहाँ पीछे से इन्होंने लावा जो शुरू कर दिया। एंड गाइस खास बात एक कैसे एक भी लावा नहीं लाया इन्होंने, आपने नोटिस किया एक भी इन्होंने लावा लून नहीं लाया लावा लून में। और भाई देख सकते हो बस सर्जिकल लून डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने दे दी आरसी की एबिलिटी। एंड गाइस खत्म है भाई बेस, कुछ बचा ही नहीं बेस के, बस स्कैटर बचा। एंड गाइस देख सकते हो बिना लावा के इन्होंने लावा लून किया यहाँ पे, बस सर्जिकल लून डिप्लॉय किए ब्लिंक से वैल्यू निकाल ली हीरो से पास बना एंड गाइस बेस खत्म। सो गाइस देख सकते कितना प्यारा प्लान था पूरन की तरफ से एंड हो गया इजली ट्रिपल। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, नेक्स्ट अटैक पे। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अटैक आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रो टाइटन के साथ एंड यहाँ पे कुछ बलून्स डिप्लॉय कर दिए इन्होंने विथ वॉर्डन एबिलिटी। यहाँ पे अटैक करते हैं यहाँ पे रत्नादीप आईडी अटैक कर रहे हैं अपने भाई एंड यहाँ पे सक्सेसफुली ब्लिम डिप्लॉय के टाउन हॉल के पास। यहाँ पे अगेन किनवी क्लोन आया कुछ अगेन किनवी एंड गाइस वैल्यू का खतरनाक पेन को मिल रही है यहाँ से रेज अगेन किनवी। एंड भाई देख सकते हो भाई भाई वैल्यू क्या ही मिली भाई इनको, आधा बेस तो भाई लोग बिलियन से खा जाते हैं। यहाँ पे क्वीन डिप्लॉय करते सीसी टेकडाउन करने के लिए
यहाँ पे एक आइस गोलम, इलेक्ट्रो टाइटन्स, किंग, यहाँ पे ईगल भी एक्टिवेट हो चुका है, अभी भी इन्होंने तीन ईगल बचा के रखे है। यहाँ पे डबल कैन का बहुत हिटी डाल दी इन्होंने। यहाँ पे पीछे की तरफ से आरसी, ताकि आरसी जो वो दोनों मल्टी और ईगल टेक डाउन कर सके। देखिए गॉब्लिन्स फाइनल के लिए, ताकि किंग भटके ना और वो स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट जो है वहाँ तक किंग जा सके। यहाँ पे आरसी की एबिलिटी हो गई है फोर्स, यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी फोर्स हो चुकी है। और भाई बेस की बात करें, इस बेस में कुछ हैवी डैमेज बचा नहीं है जो कि इलेक्ट्रोटा को दिक्कत देने वाला है, बस कैनन्स और अच्छे टॉर्च से बचे। और यहाँ पे काफ़ी सारे पे इनके इलेक्ट्रोटा जिंदा है एंड क्वीन भी यहाँ पे सर्वाइव कर चुके सक्सेसफुली। आरसी भी सर्वाइव कर गई यहाँ पे, यहाँ पे डाले मिनियन क्लीन अप के लिए ताकि गोल्स को जो टाइम फिल का दिक्कत ना दे। एंड गाइस देख सकते हो मतलब कितने ओवर की तरह स्कैच ये भेजे हो, वो अपने वाले ट्रिपल कर दिया। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अटैक पे। तो गाइस अपने नेक्स्ट अटैक पे रियू एंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो भाई यहाँ पे हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है विद बैटल ब्लेम, और यहाँ पे एक इन्विजिबल भी लेकर है। ओके तो देखते हैं ब्लेम से क्या वैल्यू यहाँ पे टेक डाउन करना चाहते हैं। सो इनके यहाँ पे स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट चाहिए था ब्लेम से, जो कि इनको जो है वो मिल चुका है, ग्राउंड एक्सपो तक मिल गया। ओके नाइस, यहाँ पे क्वीन डिप्लो कर 12 o'clock साइड में विद हीलर्स। यहाँ पे सीसी में से निकले इलेक्ट्रो टाइटन और आइस गोलम, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं क्वीन का। ओके यहाँ पे इन्होंने डाल दिया एक वीजर, ओके एक कोको बलून, ताकि कोई भी अगर ब्लैक मैन या रेड मैन हो तो ट्रिगर हो जाए और हीलर्स जो है इनकी सेफ रहे। इन्हें से क्वीन से इनको टाउन में खाना है। ओके जो राइट जो उनका पूरा राइट सेक्शन है उनको उनको क्वीन से खाने की ये कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं किंग, सारे के सारे माइनर्स, वार्डन, सारे के सारे हॉक्स विथ रॉयल चैम्पियन। यहाँ पे किंग की एबिलिटी आई थिंक दे सकते हैं। यहाँ पे ईगल भी एक्टिवेट हो चुका है, एक हील डाल दी उन्होंने यहाँ पे किंग की एबिलिटी। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी आई थिंक फोर्स हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे टाउन जो इनको क्वीन से मिल चुका है, यहाँ पे मल्टी के ऊपर फ्रीज, अभी भी इनके पास आरसी एबिलिटी और एक इनविजिबल बचा है। ओके कुछ बलून्स, अच्छी बात ये है कि गोल में बहुत सारे माइनस बचे जो कि डिस्ट्रा करने का काम करे, ताकि आरसी जो पीछे से फटाफट जो डिफेंस क्लियर कर दे। एंड अभी भी इनके पास एक इनविजिबल बचा है एंड आई थिंक भाई स्क्रीन क्वैक कर लेंगे यार, वो इन्विस पैक कर लेंगे आप दे देने आरसी की एबिलिटी। एंड गाइस देयर वी गो, ये हो चुका है एक ट्रिपल। तो गाइस चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, नेक्स्ट अटैक पे। सो गाइस हमें नेक्स्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्वीन चार्ज इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और एक रिकॉल स्पेल, ये तो इंटरेस्टिंग हो सकता है अटैक। एंड अटैक के बाद यहाँ पे प्रो देखता पूरा अटैक कर रहे हैं। एंड अभी भाई क्वीन से इलेक्ट्रॉन काफ़ी हार्ड होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 12 o'clock पे इन्होंने डाल दी क्वीन, एक हीलर इन्होंने डाली नहीं अब तक, कहाँ डालेंगे एक हीलर। एंड इन्होंने एक रिकॉल स्पेल भी लाई है, सो लेट्स सी क्या है इनका प्लान।
और इनको क्वीन ने फिर रिकॉल कर लिया एंड उसके अपोजिट कॉर्नर में क्वीन डिप्लॉय कर दी इन्होंने, एक और हिलर पर डिप्लॉय कर दी इन्होंने। ओके लेट्स सी भाई इनका प्लान क्या है। आई थिंक क्वीन से साइड वाला बना के ना इलेक्ट्रो ड्रैगन बीच में डाल देंगे। ओके तो यहाँ पे साक्षात लून्स आ गए, साक्षात इलेक्ट्रो ड्रैगन्स पॉइजन टाइप एक्टिवेट हो गया है, और कुछ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स यहाँ पे आ गए। वार्डन इन्होंने गाइस गोलम भी लाया और यहाँ पे फ्लिम फिंग हो जाए, यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है वार्डन की परफेक्ट एबिलिटी। एक आइस गोलम मिला है, आई थिंक वो किंग से डिप्लॉय करेंगे। ओके अटैक काफी सॉलिड चल रहा है, इलेक्ट्रो गन्स पूरा तबाही मचा रहा है कोर के अंदर। इन्हें यहाँ पे इन्हें डिप्लॉय कर दिया आइस गोलम किंग, एक हेड हंटर एंड इन्होंने अभी हाथी होल्ड करके रखी है, देखते हैं हाथी डिप्लॉयमेंट कहाँ करेंगे। आई थिंक स्टार्टर पे करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने हाथी डिप्लॉय कर दी मल्टी के ऊपर, किंग के यहाँ पे एबिलिटी अपने मॉनोलिथ के ऊपर फ्रीज, क्योंकि वो रेज हो चुका था वरना तो उसकी फाड़ डालता हो। यहाँ पे एक और फ्रीज आई थिंक देना पड़ेगा इनको, नहीं नहीं दिया इन्होंने, अभी भी इनके साथ से एबिलिटी बची है। ओके एंड गाइस स्वैग के साथ यहाँ पे जो इन्होंने थ्री स्टार कर लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ मतलब क्वीन चे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, क्या बात है भाई, काफी तगड़ा प्लान था, काफी बढ़िया प्लान था इनका। सो गाइस ये थे मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी एंड काफ़ी बढ़िया अटैक्स है आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आए होंगे सारे के सारे। सो गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो बस अगर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।